गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। एंड आज हम लोग हैं सरचू पे और सरचू से मनाली जाएंगे। यहाँ ऐसे ही टेंट वगैरह मिलता है, बाइक को यहाँ रखा, टेंट है ये, इन्हें है। और अभी ब्रेकफास्ट और चाय पी रहे हैं। सरचू पे जहाँ रुके थे यहाँ बहुत फंटास्टिक बाइक्स ने मिल गया हम लोगों को। पहले ये मैनली मैनली 600 थी और ये देखिए 97-98 मॉडल है और डीजल पे चलते हैं। तीन बार खाड़ूंगा हुआ गए हैं ये बाइक लेके, तो सोचिए कितना फंटास्टिक बाइक है ये। तो अगर आप लोगों को ऐसे विंटेज बाइक्स को अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट पे बताइए, और इन दोनों बाइक का रिव्यू आप क्या देंगे प्लीज़ बताइएगा। लास्ट टाइम हानले पे हुआ था पंक्चर, अभी फिर से हो गया है पंक्चर चिन्मय दादा का। एंड अभी टाइम हुआ है 8:55। अभी हम सरचू पे ही हैं, मनाली क्रॉस करना है आज, और हाल हम लोग का कुछ ऐसा है। हुआ है 9:30, अभी हम सरचू से निकल रहे हैं मनाली तक, बहुत देर हो गए हैं। पहले हम यहाँ पे आके भी देखा कल, ये थोड़ा सा लो बजट का है, हम जहाँ थे वो थोड़ा सा कॉस्टली था। ऊपर चले जाओ ना, रास्ता नीचे से था, जाएगा ना आराम से। तो चलते हैं इस रास्ते पे ही। यहाँ से दिल्ली है 782 किलोमीटर्स और मनाली 222 किलोमीटर्स। हम जहाँ थे वहाँ से भी आगे 10 किलोमीटर आगे आने के बाद भी हमको बहुत सारे टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। बकरी ही बकरी, बकरी बकरी। आइस आइस रास्ता ऊपर से बंद है। अभी है खतरों का खेल, पानी से रोके हम आ रहे हैं। मजा आया। वो देखिए कुत्ता कितना क्यूट, के नजारा। बड़ा लछाला में हूँ अभी, ये देखिए पीछे का नज़ारा कितना सुंदर है। इमान धुनिया ग्लेशियर पिछफाले और इमान धुनिया ऑफ रोडिंग करी वाटर क्रॉसिंग करी आही पाई गलो ही यार, और मज़ा ही आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर और धुनिया जगह पाम और धुनिया सिनेरियो पाम साइड कॉक। ये देखिए बर्फ रास्ते के साइड, रास्ते के ऊपर आ गया था तो काट के दिया है बीआरओ। और कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़। पानी में हमको बहुत स्लो आना पड़ता है क्योंकि ब्लैक आइस हो सकते हैं। ये देखिए गाड़ी खराब हुआ है, यहाँ आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रास्ता काफी खराब है। धूल हैवी पानी का फ्लो है। मुझे लगा कि आराम से आएंगे पर नहीं, ये थोड़ा सा स्लिप किया ऐसा लगा। ये देखिए बर्फ, बोला बोला सुनवाई ना तुम्हारे पीस पालो ही रोई दिले मोर दिगदार हो, तुम्हें रोई दिले मोर दिगदार हो दिया। बोला 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 गो 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 सिंहमई नाइजरे रोई दिले हय मोर भरी नालागिले हय नय।
लगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चैलेंजिंग भी है रास्ता मेरे लिए काफ़ी, क्योंकि मेरा बाइक बहुत हैवी है, पैर लगा नहीं सकती हूँ, तो ऐसे ऐसे मोमेंटम रख के आना पड़ रहा है। पहली बार ऐसे नज़ारे में आ रही हूँ, ऐसे ब्यूटी पहली बार में से देख रही हूँ, क्या ही बताऊँ, मैं फील दे रही हूँ बस। अभी है 65 किलोमीटर रिजर्व पे है बाइक, 75 किलोमीटर के अलोन है यहाँ से दूर, वहीं पर ही मिलता है पेट्रोल, तो आगे ख़त्म हो जाने से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कितना सुंदर है नीचे, एक रिवर है, रिवर या स्ट्रीम है, इतना सुंदर लग रहा है क्या ही बोलूँ मैं। मैं जो फील कर रही हूँ मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, पर बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। वाओ, क्या हेवनली फीलिंग्स है ये। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, पर आप बस देखिए ये व्यू, नज़ारा देखिए, इतना सुंदर व्यू है मैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ये सूरज ताल है ये इस लेक का नाम, जितना भी लोग आते हैं टूरिस्ट यहाँ ज़रूर रुकते हैं, रुक के इसका नज़ारा देखते हैं, और नीचे जो पानी है ना वो वाटर फ्रीज भी है। कितना सुंदर है ये देखिए, देखिए अभी मजा आ रहा है। आई गलो आराम से आई लो, इन भगाइलो अभी। क्या हुआ था, इतना अच्छा सा रूट क्रॉस करके आए ना, तो तब गोप्रो ऑन नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया, रास्ता ख़त्म होने के बाद ही हुआ है ऑन, फालतू गोप्रो। अभी पाम चेक कर रहे हैं, सही है अभी। हाँ, मोनाली पहुँचते पहुँचते गर्मी बढ़ रहा है, यहाँ वाटरफॉल में लोग नहा रहे हैं। उस पहाड़ से भी हम हजार हजार फीट ऊपर गए थे, अभी यकीन ही नहीं हो रहा है, अभी जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ ग्रीनरी दिखने को मिल रहा है। मनाली तक अभी 150 किलोमीटर है ही, फिर भी यहाँ की गर्मी, बबरे लाइनर्स वगैरह खोल लेती हूँ और यहाँ का व्यू देखिए आप लोग, देखिए अभी भी इतना गर्मी क्यों लग रहा है, मैं पसीना निकल रहे हैं, 33 डिग्री सेल्सियस और यहाँ बर्फ भी है, रात को बहुत ठंड हो जाता है शायद यहाँ। अभी हम हैं 11,000 फीट ऊंचाई पे, पर लग ही नहीं रहा है क्योंकि इतना ऊपर से आए हैं ना, 11,000 फीट ऐसा लग रहा है कि प्लेन एरिया में ही आ गए। मनाली का फील कुछ अलग ही है, ग्रीनरी, पहाड़, फूल, फ्लावर, रिवर, और घर भी इतना प्यारा सा छोटा छोटा है, ऐसे रूफ ऐसे ऐसे ऐसा, मतलब इतना सुंदर सा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से कुल्लू है 133 किलोमीटर, हमें कुल्लू तक जाना है, मनाली 91 किलोमीटर। वाह वाह, अभी हम पहुँच चुके हैं केलांग, और केलांग में अभी पेट्रोल पंप टूट रहे, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, क्या आउट ऑफ स्टॉक क्यों रहे भाई से, 7 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है वहाँ फ्यूल फिल करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हो रहा है मशीन का। हम वापस आ गए, यहाँ नहीं हुआ हम लोगों का, 7 किलोमीटर आगे भी पेट्रोल पंप है ऐसे बोल रहे हैं। कल की क्या रेंज है, अभी 8 किलोमीटर तो हो जाएगा, या पैसे या तो कारेंट गुल पेट्रोल ना पाई, पेट्रोल भरने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम सोचा कि इतना ज़्यादा व्हीकल्स ऑलरेडी हैं, हम कुछ खाना खा के आते, हिमालयन ढाबा थे हम। पहाड़ पर मैंने बोल ही रही हूँ कि मुझे चिकन खाना है, चिकन खाना है, बहुत दिन हो गया है नॉन वेज नहीं खाया हुआ, तेरी तो मुंह से। तो यहाँ खाना खा लिया, लंच कर लिया, पेट्रोल भी भर लिए, अभी टाइम हुआ है 4:30
और अभी तक आए हैं 131 किलोमीटर ओनली। और आज मनाली में नहीं रुकना है, कुल्लू में जाना है। अभी मेरा कलकी का जो कलर है ना वो काजा ब्राउन है, तो यहाँ से काजा 192 किलोमीटर दूरी पे है। तो कभी आऊँगी काजा ब्राउन को काजा ले जाने के लिए। अभी हम लोगों ने लाहौल के एंट्री किया, तो यहाँ थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। यहाँ जो है लाहौल मतलब बना रहा है बीआरओ, और ये वॉल देख के मुझे लगा कि अटल टनल हम पहुँच गए हैं। ये देखिए अटल टनल देखने के लिए ही लोग आते हैं, और अटल टनल का एंट्री गेट इतना खूबसूरत है मतलब क्या ही बताओ। और सैटरडे संडे को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं ऐसे सुनाई दिया है। अभी हम जाएंगे अटल टनल के अंदर। ये देखिए इसका गेट कितना खूबसूरत है, बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन अटल टनल रोहतक नॉर्थ पोर्टल। ओके अभी हमें जाना है 40 के अंदर, स्पीड लिमिट है 40। वाह कितना सुंदर है साउथ पोर्टल 8.5 किलोमीटर। यहाँ मतलब स्पीड लिमिट यहाँ लिख कर देते हैं, तो वहाँ 40 था यहाँ 60 जा सकते हैं। द अटल टनल जहाँ से हम अब गुजरे हैं, वहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे जो दिखाया गया है मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ, वहाँ से निकलने के बाद आगे का पहाड़ और पीछे का पहाड़ इतना सुंदर दिख रहा है। अटल टनल जहाँ पर है देखने में इतना सुंदर है पूरा का पूरा एरिया। वाओ मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल इतना अच्छा है, आगे आने के बाद ही ये खराब रास्ता मिल रहा है हमें। अरे वाह ये देखिए, ये कोई जादू माया भी कुछ पहाड़ जैसा नहीं लग रहा है हैरी पॉटर का। धुआं धुआं फॉगी फॉगी भी होके रखा है ना। अरे ये ना कैमरे पे कितना अच्छा कलर आएगा, पूरा क्लाउडी है ना, क्लाउड फार के ऐसे थोड़ा थोड़ा रोशनी आ रहे हैं लगे मोजुल भूरा ऑन असर भूरा। और यहाँ बहुत सारे हनी बीज का वो था बॉक्सेस था। अटल टनल क्रॉस करने के बाद आ रहे थे आके सोलंग वैली मिला हमें, तो यहाँ क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है मतलब एक मेला ही है यहाँ। तो ये ऊपर अगर देख आप लोगों को दिखाऊंगी अगर देख पाएंगे तो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग, तो चिन्मय दादा का खूब मन है पैराग्लाइडिंग करने का, तो वो अभी आए हैं, वो पूछने के लिए गए हैं वहाँ क्या है क्या है। पर तो मुझे आज करने का मन नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है और मैं एकदम फ्रेश नहीं हूँ क्योंकि इतना दूर से आए हैं, और आज नहीं फिर कभी आऊँगी तो करूँगी ज़रूर। और यहाँ देखिए घूरा है, ऊँट है, और गाय है, याक है, क्या कुछ नहीं है यहाँ मतलब पूरा मेला है यहाँ। अभी यहाँ से हम निकलते हैं। वो बच्चे को देखिए मजा ले रहा है, डर भी नहीं रहा है, वो भय कौन है सर। वो लोग दिखा रहे हैं मेरा चैनल खोल के, देखिए आगे की गाड़ी में बाइक पे मेरा नाम है ना, तो लोगों ने चार्ज करके देखा और मुझे पीछे से ऐसे दिखा रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू जो भी हैं आप लोग पंजाब से हैं शायद, थैंक यू सो मच। देखिए मनाली का ट्रैफिक जाम, बाप रे हरियर बिलोन उठ मन गई ना सिनमेरा तीनटा उठा पारूँ है एक लगे। देखिए जाम खत्म ही नहीं हो रहा है। का पेड़ है देखिए, मुझे तोड़ के खाना था। अभी तो एप्पल कोई खाने लायक नहीं है, नहीं है क्योंकि ये जो एप्पल है ना हाँ। ये अगस्त में जाके तैयार होगा, इतने बड़े हो गए तो उसका स्वाद भी आया। अभी ये अंकल से मिला, अंकल को बोला कि खाने देते हैं ऐसे पेड़ से, बोला कि अभी छोटा छोटा है ना तो अभी नहीं खा सकते, जब बड़ा होगा तब खा सकते हैं, अगस्त में ही होगा वो बड़ा तो अभी नहीं होगा।
इधर आके बोले रॉड का शो पल्सर स्टंट मैनिया सीजन 2 यही हुआ था। यहीं रहते थे यहाँ सेट नीचे लगा था जिसमें बाबर फर्स्ट आया था। ओके फर्स्ट सीजन का हीरो जावेद वो भी यहीं रहते। ये मेरा बाइक यहाँ पार्क करके रखा है। ये देखो एप्पल गार्डन। वाओ ये देखिए एप्पल गार्डन। बाद में सुबह ले जाएंगे, सुबह ले जाएंगे भैया मुझे। अभी आपको सेंटर ऑफ द प्लम खिलाएंगे। ओके आपका नाम क्या है भैया? रमेश भैया। मैं टीचर हूँ। अच्छा अच्छा मैं अपराजिता। रॉडीज का शो था ना जी। ये देखो बाबर। ओह अच्छा ये कौन से सीजन का था? सीजन 2। ऐसा लग रहा है ये घर है, मतलब ये घर ही है, होटल बना दिया मतलब। क्योंकि से सुबह व्यू भी अच्छा आएगा और ये सब जब जो है ना ऐसा लग रहा है कि घर पुराना फर्नीचर वगैरह सब। हम लोग के घर में भी ऐसे पुराने जमाने का था पहले, तो अच्छा लग रहा है मुझे। श्याल ने हम लोगों के लिए पानी और फ्रूट्स लेकर आए हैं। ये प्लम है ना जी? थैंक यू सो मच भैया, लाके दे ही रहे, इतना खाना खिला रहे हैं हमें। इसको सांता रोजा बोलते हैं यहाँ। मैंने फ्रेश हुआ ही नहीं है अभी तक, तो खिला ही रहे। तो इधर आइए, बहुत अच्छा प्लेस है, मैं बताऊंगी आपको कल सुबह और घूमने जाना है। उसका इतना बाकी बहुत सुंदर।